रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद मौका परस्त लोगों ने टोसिलिजुमेब इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी है। जोन 2 की डीसीपी विनीता शाह को जानकारी मिली कि कुछ लोग टोसिलिजुमेब इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने विशेष दस्ते को कार्रवाई के आदेश दिए। इस मामले में पुलिस ने 2 डॉक्टर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सबसे पहले आरोपियों से संपर्क किया, जिस दौरान 1 लाख रुपए में इंजेक्शन का सौदा हुआ। पुलिस ने जाल बिछाकर 2 डॉक्टर सहित 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में मरार टोली निवासी विशेष और सोनू जीवन लाल बाकट, भागीरथी अपार्टमेंट नरेंद्र नगर निवासी रामफल लोलर वैश्य और सचिन अशोक गिविरकर का समावेश है। तीनों मूलतः बालाघाट जिले के रहने वाले हैं। एक्ट मेरा कंपनी की टोसिलिजुमेब इंजेक्शन की MRP 40,700 रुपए है। कोरोना मरीजों को लास्ट स्टेज पर ये इंजेक्शन दिया जाता है। शहर में इस इंजेक्शन की किल्लत है, इसलिए कुछ लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। विनीता शाह को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस दस्ते ने ग्राहक बनकर आरोपियों से संपर्क किया। आरोपियों ने अपने पास इंजेक्शन उपलब्ध होने की जानकारी दी और 1 लाख तक सौदा तय किया। सचिन को इंजेक्शन की डिलीवरी करने के लिए अमरावती रोड पर भेजा गया। पुलिस ने लॉ कॉलेज चौक के समीप से उसे हिरासत में लिया। आमच्या परिमंडळ 2च्या पोलीस उपायुक्त विनीता मॅडम यांना काही लोकांनी माहिती दिली, गोपनीय माहिती प्राप्त झाली, त्या अनुषंगाने त्यांनी त्यांचे वाचक श्री धुरट PSI धुरट यांना त्याच्या मागे लावले। त्यांनी वर्कआउट केलं काल दिवसभर आणि ते जे इंजेक्शन आहे ते म्युक्रोमायसिस किंवा कोरोनाच्या कामात येते आणि असे इंजेक्शन बाहेर मिळत नाही, सगळे गव्हर्नमेंट कोट्यातूनच मिळतात। मात्र आरोपींनी हे एका आमचा जो फंटर होता पोलीसवाल्यांचा फंटर, त्याला ते 1 लाख रुपयात मिळून देतो असं सांगून त्यांनी त्याला बोलवलं। या अनुषंगाने त्याच्यावर ट्रॅप लावला असता काही पहिले पैसे 5,000 रुपये ऍडव्हान्स म्हणून त्याला त्याच्या गुगल पेवर पाठवण्यात सुद्धा आले होते आणि नंतर मात्र मग त्याच्यावर जेव्हा रेड झाला तेव्हा हे 3 जण आहे हे एकमेकाच्या सान्निध्यात राहून असे इंजेक्शनचा काळाबाजारी करत होते आणि जास्त किमतीत विकत होते। असं इंजेक्शन कोणी खाजगी इस्माला विकण्याची परवानगी नसताना सुद्धा असं विकलेलं आहे। शासनाची एक प्रकारची फसवणूक केली आहे। तीन आरोपी आहेत, सचिन गेवरीकर, विशेष बाकट आणि रामफल वैश्य। ऍक्च्युली बाहेरगाव मध्य प्रदेशातील राहणारे, सध्या रूम करून इथे राहतात आणि बाकी आता अजून कोण आहे काय आहे, त्यांनी यापूर्वी सुद्धा अजून कोणाला इंजेक्शन दिले काय, याबाबत आरोपींचा PCR घेऊन पुढील कार्यवाही आणि पुढील चौकशी सुरू आहे। आरोपियों ने इंजेक्शन कहां से और कब खरीदा, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। बुधवार को अंबाजरी पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। अदालत ने 28 मई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।